क्लास फोर्थ हम लोग पढ़ रहे हैं आपका लेसन टू काबुली वाला बच्चों, जहाँ पे मिनी जो कि एक टॉकेटिव और नॉटी गर्ल है उसकी कहानी है, उसकी कहानी है काबुली वाला के साथ। मिनी कॉल्ड आउट टू अ काबुली वाला एंड एज ही लुक्ड अप एट हर, मिनी ने काबुली वाले को अपनी विंडो से आवाज लगाई, काबुली वाला। मिनी कॉल्ड आउट टू अ काबुली वाला एंड एज ही लुक्ड अप एट हर शी रैन टू मी। और जैसे ही काबुली वाला ने मिनी की तरफ देखा, मिनी जो है अपने फादर के पास भाग के चली गई। शी हैड अ फर्म बिलीफ, बिलीफ का मतलब होता है सोच, मान्यता, ऐसा दिमाग में सेट हो जाना। शी हैड अ फर्म बिलीफ, मिनी ये मानती थी दैट ऑल काबुली वाला स्कॉट चिल्ड्रन, जितने भी काबुली वाला है वो क्या करते हैं, वो बच्चों को पकड़ के ले जाते हैं। स्कॉट चिल्ड्रन पुट देम इन टू देयर सैक्स, वो उन बच्चों को अपने बोरी में, सेक्स का मतलब क्या होता है बच्चों, जो बोरी जो होती है उसमें रखते हैं, एंड टुक देम अवे, और वो बच्चों को पकड़ के ले जाते हैं। तो मिनी ये मानती थी कि जितने भी काबुली वाला हैं वो अपने बच्चों को बोरी में बंद कर देते हैं और वो उनको उठा के ले जाते हैं, एंड टुक देम अवे। एंड द काबुली वाला केम इनटू आवर हाउस, एज द काबुली वाला केम इनटू आवर हाउस I called Millie to came out and meet him. और जैसे ही काबुली वाला मिनी के घर आया, मिनी के फादर ने मिनी को आवाज लगाई कि काबुली वाला आया है, आप आके उनसे मिलो। Soon she lost her fear, meet him. Soon she lost her fear of him and it was a joy to watch the big beard Pathan talking softly to the little 5-year-old girl. और जैसे ही मिनी उससे मिली, मिनी के अंदर का जो भय था, जो डर जो था कि काबुली वाला बच्चों को पकड़ के ले जाता है, वो खत्म हो गया जैसे ही उनसे उससे मिली। यहाँ पे काबुली वाले का लुक भी बताया गया है, कैसा लुक है बच्चों। इट वॉज अ जॉय टू वॉच अ बिग बियर्डेड पठान, ऐसा पठान, पठान बच्चों एक जाति होती है मुस्लिम कास्ट में, जाति होती है पठान, जिनकी बड़ी दाढ़ी होती है। तो यहाँ पे हमें पिक्चर में भी नजर आ रहा है कि बिग बियर्डेड पठान टॉकिंग सॉफ्टली, पठान जो था काबुली वाला जो था वो मिनी के साथ बड़े प्रेम पूर्वक बात कर रहा था सॉफ्टली टू द लिटिल 5-year-old गर्ल। मिनी जब काबुली वाला से पहली बार मिली, जब काबुली वाला पहली बार इनके घर आया, तब मिनी वॉज अ 5-year-old गर्ल। मिनी जो थी, काबुली वाला जब इनके घर पहली बार आया वो 5 वर्ष की छोटी बच्ची थी। काबुली वाला वॉज नाउ अ डेली विजिटर टू अवर हाउस, काबुली वाला जो था अब रोज मिनी के घर आने लगा था। मिनी लॉस्ट हर फियर एंड द जेंटलमैन बिकम हर गुड फ्रेंड, मिनी का जो डर जो था काबुली वाला को लेके वो अब खत्म हो चुका था, और जेंटलमैन और ये जो सज्जन था ये अब मिनी का अच्छा मित्र बन चुका था। दे वुड शेयर स्टोरीज एंड जोक्स दैट बिकम देयर अम्यूजमेंट, वो दोनों आपस में कहानियां और चुटकुले एक दूसरे से साझा करते थे और दोनों को इसी से ही मजा आता था। Years went by and Minnie grew up into the beautiful young woman, बहुत वर्ष बीते और मिनी जो थी एक खूबसूरत यंग वुमन, एक खूबसूरत महिला के रूप में नजर आने लगी थी, वो बड़ी हो चुकी थी, इसका मतलब ये था। मिनी वॉज लुकिंग वेरी प्रिटी दैट डे, इस दिन मिनी बहुत खूबसूरत नजर आ रही थी। इट वॉज द डे ऑफ हर मैरिज, और आज क्या था बच्चों, मिनी का विवाह था। द हाउस वॉज डेकोरेटेड विथ ऑल द अरेंजमेंट्स, पूरे घर को बहुत सुंदर व्यवस्था से सजाया गया था। सडनली अचानक अ मैन केम, एक आदमी आया एंड सैल्यूटेड मी, उसने मिनी के फादर को सलाम किया रेस्पेक्टफुली, बड़े आदर के साथ उन्होंने मिनी के फादर को सलाम किया। एट फर्स्ट आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम, पहले तो मैंने उसे पहचाना नहीं, ये कौन कह रहा है, मिनी के फादर, पहले मिनी के फादर ने उसको पहचाना नहीं, रिकॉग्नाइज करना यानी पहचाना, उन्होंने इसको नहीं पहचाना। बट सुन ही टोल्ड मी दैट ही वॉज मिनीज फ्रेंड, लेकिन फिर तुरंत ही उस व्यक्ति ने मिनी के फादर को कहा कि मैं मिनी का मित्र हूँ काबुली वाला। वेयर इज मिनी सर, ही आस्क, और काबुली वाला ने पूछा मिनी कहाँ है, ये कहते ही दोनों के बीच में क्वेश्चन आंसर, दोनों के बीच का जो कन्वर्सेशन था वो स्टार्ट हुआ। देयर इज अ सेरेमनी इन द हाउस, यू विल नॉट बी एबल टू सी एनीवन टुडे, आई टोल्ड हिम, और मिनी के फादर ने काबुली वाला को जवाब दिया कि आज घर में एक प्रसंग है, एक सेरेमनी है, आप आज किसी से मिल नहीं सकते। ये जो बात थी वो काबुली वाला, सॉरी मिनी के जो फादर थे उन्होंने काबुली वाला को ये बात
कही। आगे उनके बीच में क्या कन्वर्सेशन हुआ, क्या काबुली वाला मिनी से मिला बच्चों, ये हम नेक्स्ट क्लिप में जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद सम क्वेश्चन आंसर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम लोग पढ़ेंगे, व्हाट डिड फॉर्म बिलीव डिड मिनी हैव अबाउट ऑल काबुली वाला। मिनी के जो एक बिलीफ थी, मिनी क्या सोचती थी सारे काबुली वाला के बारे में। शी हैड बिलीव दैट, मिनी ये सोचती थी ऑल काबुली वाला कॉट चिल्ड्रन, जितने भी काबुली वाला है वो बच्चों को पकड़ के ले जाते हैं, बच्चों को पकड़ते हैं, बच्चों को कॉट करते हैं। नाउ क्वेश्चन टू, हु केम टू मीट मिनी ऑन द डे ऑफ हर मैरिज। मिनी की जब शादी थी तो उस दिन, शादी वाले दिन उससे मिलने कौन आया था बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया है, मिनीज फ्रेंड काबुली वाला केम टू मीट मिनी ऑन द डे ऑफ हर मैरिज, उसके विवाह वाले दिन काबुली वाला जो कि इसका मित्र बन चुका था वो उससे मिलने आया था। क्वेश्चन थ्री, हाउ ओल्ड वॉज मिनी व्हेन काबुली वाला केम टू हर हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम। जब पहली बार काबुली वाला मिनी के घर आया था तो मिनी की आयु कितने वर्षीय हमें ये बताना है। मिनी वॉज 5 years old, मिनी मात्र 5 वर्ष की बच्ची थी व्हेन द काबुली वाला केम टू हर हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम। जब काबुली वाला पहली बार मिनी के घर आया था तो मिनी जो थी बच्चों 5 वर्ष की छोटी बच्ची थी। आई होप बच्चों आपको कहानी इंटरेस्टिंग भी लगी होगी और आपको अच्छे से समझ में भी आ गई होगी। बच्चों ये क्वेश्चन आंसर भी आपको एक्सप्लेन किए हैं, आपको इनको रिवाइज करना है और लर्न भी करना है। थैंक यू वेरी मच।